कार्ल मार्क्स का आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो ये नेक्स्ट जो आइडिया है, जो सबसे आपको ये जानना होगा, पहला आइडिया भी है एक तरह से हमारे सिलेबस का, ये है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये दो शब्दों से बना है, ये यहाँ पे एक है, पहला है हिस्टोरिकल, दूसरा है मटीरियलिज्म। तो हिस्टोरिकल का मतलब क्या हुआ कि इतिहास में कथा, अगर मैं कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, अगर मैं झांक कर देखूँ तो मुझे कुछ एक प्रॉपर एक पैटर्न समझ आता है, मुझे एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड नज़र आता है कि किस तरह से समाज इवॉल्व हुआ होगा, आगे बढ़ता हुआ चला। एंड मटीरियलिज्म का मतलब यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि मटीरियलिज्म का मतलब होता है कि किस तरह से आसपास जो आपके सराउंडिंग में जो मटीरियल है, जो आपके आसपास जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मटीरियल एग्जिस्ट करता है, किस तरह से वो आपको इम्पैक्ट करता है, ठीक है, किस तरह से वो आपकी इमेजिनेशन, सोचने की शक्ति को इम्पैक्ट करता है। आप एक बात मैं चाहता हूँ, आप एक सिंपल सी एक चीज़ इमेजिन करो। लेट्स से आप सब लोग इंडिया में पैदा हुए, तो डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हो, आपको काफ़ी यहाँ पे आप काफ़ी वोकल भी हो सरकार के खिलाफ, जैसे अगर कुछ बोलना हो तो बोलते भी रहते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर आराम से उतरे होते हैं, धरना कर रहे होते हैं। तो आसपास हमारा कल्चर कैसा है, लेट्स से इंडिया में बात करें तो डेमोक्रेटिक कल्चर पॉलिटिकली एग्जिस्ट करता है। लेकिन लेट्स से सेम चीज़ अगर एक कोई बच्चा बिल्कुल सेम टाइम पे पैदा हुआ सऊदी अरेबिया में या किसी और कंट्री में जहां पे डेमोक्रेसी एज सच प्रैक्टिस नहीं होती, चाइना में, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। अब तो वहां पे अगर किसी को ऊपर प्रोटेस्ट करना है तो वो नहीं कर सकता। तो अब देख रहे हो कि दो इंसान सेम टाइम पैदा हुए, एक लेट्स से इंडिया में यूएसए में, एक लेट्स से पैदा हो गया जो नॉन डेमोक्रेटिक किसी कंट्री में, तो दोनों के आसपास की कंडीशंस कैसे कितने सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो जाएंगी। तो कार्ल मार्क्स इसी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपके आसपास की सराउंडिंग चीज़ें, मटीरियलिज्म से सिर्फ आप सिर्फ मटीरियल या सिर्फ टेंजिबल चीज़ों को इमेजिन मत करना कि आपके आसपास हैं, टेंजिबल चीज़ों का ज़्यादा इंपैक्ट है ना, किस तरह की लेट्स से आपके आसपास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, किस तरह के लैपटॉप पे आप काम करते हो। डेफिनेटली मटेरियल चीज़ों का इंपैक्ट तो है ही है, लेकिन वो नॉन मटेरियल की बात भी करता है कार्ल मार्क्स, या फिर सॉरी नॉन टेंजिबल की बात भी करता है कार्ल मार्क्स। तो यही क्या बोलते हैं वो मटेरियलिज्म की थ्योरी में, कि इतिहास में किस तरह से इवॉल्व होता चला इंसान का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो ये ओवरऑल किसकी बात हो रही है, मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, किस तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन इतिहास में इवॉल्व होता गया एंड किस तरह से मटीरियल कंडीशंस बदलती गई, इसके बारे में बात करेंगे अब हम, ठीक है। ओके, बुक कौन सी है, किसी भी आप एग्जाम में आंसर लिखो उसमें बुक मेंशन कर दो कि लेट्स से आपको आया शॉर्ट नोट लिखने पे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, आप बोलो कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक ये वाली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये बुक ना लिख के रखना किसी जगह पे ना, आप नोट्स बनाओगे बार बार पढ़ते रहोगे याद हो जाती है। तो चार पांच बुक्स होती हैं हर एक थिंकर्स की, हद से हद बोल रहा हूँ, चार पांच, किसी किसी की तो एक या दो ही हैं। तो आप ओवरऑल देखोगे आपके पूरे सिलेबस में 25 से 30 बुक्स निकल के आती हैं, बार बार कोट करते रहो, नंबर मिलते हैं, डेफिनेटली नंबर मिलते हैं, क्योंकि लगता है ना एक्स्ट्रा एफर्ट किया आपने। तो बुक याद रखो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जहाँ पे कार्ल मार्क्स ने अपनी ये थ्योरी दी है। तो वहाँ पर कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि जो कि ये थ्योरी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, ये किस पे देखती है, समाज में बदलाव में, चेंज, कैसे सोसाइटी बदली एंड उसके साथ साथ मटेरियल कंडीशंस, मतलब आसपास की जो चीज़ें थी वो कैसे बदली, उनकी कंडीशंस कैसे बदली। तो इसीलिए यहाँ पे दो इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट की बात करता है कार्ल मार्क्स। दो इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट कौन से हैं? पहला तो है मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ सोसाइटी, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि किस तरह से नेचर पे इकोनॉमिक इंफ्रा ने कंट्रोल किया, इकोनॉमिक इंफ्रा ने किस तरह से सोशल सुपर स्ट्रक्चर को शेप कर दिया, है ना, ये है सिस्टम व्यू कार्ल मार्क्स का। मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से इस चीज़ को ये शेप कर रहा है, किस तरह से ये चीज़ इसको फंक्शनिंग में मदद कर रही है, ये बताया था आपको एक तो। एंड दूसरा है एवोल्यूशन, कि किस तरह से इवॉल्व हुआ, सिस्टम व्यू हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले अपने लेक्चर में, छोटा सा आपको एस्पेक्ट था वही जो दो डायग्राम बना के दिखाए थे, एंड सिस्टम व्यू है। दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, वो हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में, डायनामिक व्यू भी उसको कहा गया। ओके, अब देखते हैं है क्या ये एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, डायनामिक व्यू। इसमें कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रोडक्शन मतलब कुछ भी कहते सामान बन रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मटेरियल फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड मटेरियल फैक्टर का मतलब क्या हुआ, अगर लेट्स से आपके पास कहते हैं अगर अगर सिंपल बेसिक से औजार हैं तो आप बेसिक वाला काम करोगे, आपको नेचर से अकॉर्डिंगली उतना ही आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं। एंड अगर आपके पास लेट्स से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आप बहुत सारा कुछ सामान अगर आप नेचर से एक्सट्रैक्ट कर पाओगे देन, ठीक है।
तो मटेरियल कंडीशन पे प्रोडक्शन बहुत डिपेंड करेगी, एंड चेंजिंग अगर मटेरियल कंडीशन हो जाएंगे आपके आसपास, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो आपकी अकॉर्डिंगली सोसाइटी बदल जाएगी। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि तो लेट अस एनालाइज कि इंसान आया कहाँ से और कहाँ भी पहुँच गया, वो फ्यूचर में क्या होगा। तो कार्ल मार्क्स की ये स्टेजेस याद रखनी ज़रूरी हैं, कार्ल मार्क्स ने अपनी किताबों में लिखी हैं, हमें भी एग्जैक्ट लिखनी है। ठीक है, मैं आपको वैसे भी प्रीवियस लेक्चर में बताता चला हूँ, अभी अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो पहला बोलते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, देखो ये वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे उन्होंने पहली बार कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म में क्या होता है, कहते हैं कि ये बिल्कुल एक पुराने, बहुत ही पुराने ज़माने की बात हो रही है। ये कब की बात हो रही है, 1000 साल, 2000, 50,000, 1 करोड़ साल पहले, ये कार्ल मार्क्स इतनी बात नहीं करते। बस ये देखो आप ना फिलोसफिकल बातें हैं ये, कि फिलोसफी की आइडिया की बात हो रही है कि इंसान कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो कह रहे हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या हुआ करता था कि पर्टिकुलरली कि सभी, किसी के पास कोई औजार नहीं था, कोई कुछ खास किसी के पास टेक्निक टूल नहीं था, बस अपने अपने हाथ अवेलेबल हैं और जाके फल तोड़ा खा लिया। ठीक है, दैट्स इट, सिर्फ इतना। तो कहते कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं था ऐसे समाज में, वो कम्युनिस्टिक समाज था, कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करती थी या फिर कोई भेदभाव एग्जिस्ट नहीं करता था, इसीलिए इसको वो नो क्लास, जब भी कभी वर्ड आएगा कम्युनिज्म, इसका मतलब क्या होगा कि कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भेदभाव एग्जिस्ट नहीं करता, एंड कोई किसी को गवर्न या रूल करने वाला भी नहीं है। ठीक है, कोई किसी पे रूल भी नहीं कर रहा, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। ठीक है, एंड उसके बाद अगली स्टेज में बोलते हैं एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आती है। सेकेंड स्टेज इज एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि क्या हुआ, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, थोड़ी आबादी बढ़ी, तो कुछ लोगों ने विद टाइम क्या किया, थोड़े टूल्स पे मास्टरी कर ली। ये बेसिक बातें मैंने आपको सारे नीचे नोट अटैच कर दिए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, वो नोट आप साथ रखो एंड उसको पढ़ते चलो। एंड वो टाइप ही किया हुआ खुद के हाथ से, एक आधा बीच में टाइपोग्राफिकल एरर कुछ लिखा हुआ बात अलग है, अदरवाइज मैंने इसको दोबारा पढ़ा है, प्रूफ रीड किया, उसमें कोई एरर नहीं है। साथ साथ उस नोट का प्रिंट आउट निकाल लो, जैसे मर्जी कर लो, अपने लैपटॉप पे मोबाइल पे ऑन रखो एंड उसको नोट को देखते रहो। तो एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या बोलते हैं कि जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जहाँ पे इंसान गैदरर है, फूड गैदरर है, पेड़ों से सामान तोड़ता खा जाता है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट आया प्रिमिटिव मोड ऑफ जो प्रोडक्शन, जहाँ पर जो एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंशियंट में किसी इंसान ने अपने टूल्स पर मास्टरी कर ली, ग्रेजुअली उसके पास अब एक्स्ट्रा सामान प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, एक्स्ट्रा फ्रूट्स हैं, एक्स्ट्रा एनिमल का मीट है, एट्सेट्रा। तो इस तरह से हुआ क्या, जिसके पास टूल्स थे वो थोड़ा सा बेटर ऑफ होना शुरू हो गया, जिसके पास टूल्स नहीं थे, तो जिसके पास टूल्स थे वो ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करेगा, तो ज़्यादा लोगों को सस्टेन कर सकता है, बड़ा परिवार पाल सकता है, एट्सेट्रा, बहुत कुछ कर सकता है। जिसके पास टूल्स नहीं है वो, उसकी डिपेंडेंसी शुरू हो गई किस पे, टूल्स वाले बंदे पर, जिसके पास टूल्स है, कार्ल मार्क्स ऐसा समझाते हैं हमें। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या बेसिकली, तो ये विद टाइम, बिकॉज इनके पास, लोगों के पास टूल्स थे, ये मास्टर्स कहलाए, देवर कॉल्ड मास्टर्स, कि हम मास्टर्स हैं, आप ग्रेजुअली ये लोग स्लेव बनते गए। तो मास्टर एंड स्लेव रिलेशन इमर्ज होता है यूरोप में, ये ग्रीक टाइम्स में आप पढ़ते हो, प्लेटो, सोक्रेटिस वगैरह, तो ये उस जमाने में मास्टर एंड स्लेव चला करते थे, ये हमारे पास लिखित इतिहास है। तब सच में कार्ल मार्क्स ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे, लिखित इतिहास भी है, लेकिन हाँ कार्ल मार्क्स कभी एग्जैक्ट डेट की बात नहीं करते कि कौन सी डेट की बात कर रहा हूँ मैं। देन आगे बढ़ते हैं, मास्टर स्लेव रिलेशन बढ़ जाएगा, एक दिन स्लेव्स इतने एक्सप्लॉइट हो जाएंगे और स्लेव प्रोटेस्ट करेंगे, एंड स्लेव फिर प्रोटेस्ट करके रेवोल्यूशन लेकर आएंगे मास्टर्स के खिलाफ, वो क्या करेंगे कि भाई हमें भी कुछ हिस्सा दो, हमें भी कोई टूल्स में शेयर दो या कुछ भी करो। तो नेक्स्ट आएगी आपके पास फ्यूडलिज्म, कार्ल मार्क्स ने हमेशा ऐसे इमेजिन किया, एक मोड ऑफ प्रोडक्शन जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा कब आएगा, जब रेवोल्यूशन आएगी। तो कार्ल मार्क्स हमेशा ही बोलते हैं कि रेवोल्यूशन आती है, उसके बाद ही नेक्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आता है। तो पांच हमने पढ़ने, अभी तीसरा आ गया फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म में कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, कि जो स्लेव थे, स्लेव कह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी आज़ादी चाहिए, वो स्लेव क्या बन जाते हैं, कहते हैं कि हमें थोड़ी ज़मीन चाहिए, हम ज़मीन पे खुद खेती बाड़ी करेंगे, सर्फ बन जाते हैं, यूरोप में बोलता है वो सर्फ्स बन के निकलते हैं। एंड जो मास्टर्स थे हमारे, मास्टर्स वो क्या बन के निकलते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, वो कह रहे हैं ठीक है जी हम आपके फ्यूडल लॉर्ड, हमारे पास ज़मीन जायदाद है, थोड़ा सा ज़मीन जायदाद आप अपने पास रखो, सर्फ को दे दिया, इस पर आप अपना, जैसे लेट्स से आपने 100 किलो खाना उगाया, लेट्स से, तो 40 किलो हमारा, 60 किलो आप रखो, ठीक है, शेयरिंग कर लो, बस शेयरिंग, बेसिक आइडिया। तो सर्फ
अपनी ज़मीन पे खेती बाड़ी करते हैं, एंड इन टर्न जो फ्यूडल लॉर्ड की जो ज़मीन है उस पे खेती बाड़ी करते हैं, एंड इन टर्न क्या करते हैं वापस रिटर्न में क्या दे देते हैं, कुछ हिस्सा वापस कर देते हैं, ये लो ये हिस्सा हमारा ये हिस्सा आपका, फ्यूडल लॉर्ड को वापस करते हैं। अब कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि विद टाइम फिर से आबादी बढ़ी, फिर से जो सर्व्स का हिस्सा था वो उनको कम रहना शुरू हो गया, एंड सर्व को फिर से एक्सप्लॉयटेड फील होता है, एंड सर्व अगेन प्रोटेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद प्रोटेस्ट करके नेक्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा हमारे पास कैपिटलिज्म। इस तरह से कार्ल मार्क्स सबसे ज़्यादा लिखेंगे फिर किस पे, कैपिटलिज्म में। तो कैपिटलिज्म के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा उन्होंने जब जिस एरा में चल रहे हैं वो 1850 के आसपास, वो कैपिटलिज्म की ही एरा है, एंड अभी देखें आज के एरा में भी कैपिटलिज्म ही चल रहा है, और जब लेकिन कार्ल मार्क्स लिख रहे थे उस वक्त भी वो यूरोप में वही चल रहा था कैपिटलिज्म। तो बोलते हैं सर्व्स ने प्रोटेस्ट किया, उनको लगा कि नहीं हमें जो मिल रहा है हमें आज़ादी भी नहीं है, किसकी ज़मीन पे कितना काम करें कितना हिस्सा शेयर करें कोई आज़ादी नहीं है। तो सर्व प्रोटेस्ट करते हैं, सर्व बोलते हैं हम तो जा रहे हैं फैक्ट्रीज में काम करने, एंड सर्व्स क्या बन जाते हैं फैक्ट्रीज में वर्कर्स, एंड फ्यूडल लॉर्ड्स मीनवाइल क्या बन जाते हैं, इनके पास धन दौलत कैपिटल तो है ही, तो कैपिटल तो है ही, तो ये बन जाते हैं कैपिटलिस्ट्स, कैपिटलिस्ट बन जाते हैं और ये फैक्ट्रियां चलाते हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, वर्कर्स को बोल रहे हैं भाई जितना काम करोगे उतना धन दौलत कमाते रहना, 10 घंटे काम करोगे 10 घंटे की पगार ले लेना, नहीं करोगे काम तो कोई पगार नहीं, ठीक है। तो वर्कर को बोल रहे हैं कि नाउ यू आर फ्री, अब आप आज़ाद हो, अब आप काम करोगे तो धन दौलत कमा लेना, नहीं करोगे तो नहीं कमाओगे, दैट्स इट एज सिंपल एज दिस, ज़्यादा करोगे काम तो ज़्यादा कमा लेना। तो वर्कर्स को फ्रीडम की एक यहाँ पे बात होती है, ठीक है, कैपिटलिज्म में। लेकिन ग्रेजुअली विद टाइम कैपिटलिज्म बहुत एक्सप्लॉयटेटिव हो जाएगा कि वर्कर बेचारा सिर्फ दिन रात सुबह शाम काम करके सिर्फ गुजारे कर पा रहा है, सिर्फ सब्सिस्टेंस वेज ले पा रहा है कि बच्चों को पालना बस जस्ट पूरा हो रहा है, फिर कहेंगे फिर बहुत एक भयंकर रेवोल्यूशन आएगा, कैपिटलिज्म का तख्ता पलट हो जाएगा एंड सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म में जो वर्कर्स होंगे, वर्कर्स अपना राज अपनाएंगे, अपना राज करेंगे, जिसको वो क्या बोलता है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट, ये वर्ड याद रखना, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट बोलते हैं। प्रोलेटेरियट कौन होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, प्रोलेटेरियट कौन थे जी, वर्कर्स। तो वो कह रहे हैं वर्कर्स फिर सारी सत्ता हथिया लेंगे एंड वो अपने हिसाब से फिर क्या पूरा सिस्टम बनाएंगे, एंड लेकिन सिंस वो कह रहे हैं वर्कर्स को पता है कि गरीबी में जीना कितना मुश्किल है, तो वर्कर्स एक जस्ट समाज बनाएंगे, जस्टिस वाला समाज जिसमें सबके साथ अच्छा होगा। तो इस ग्रेजुअली क्या बोलते हैं कार्ल मार्क्स सब कि एक बार तो अमीर लोग जो कैपिटलिस्ट हैं प्रोटेस्ट करेंगे, भाई क्या हो गया ये क्या कर दिया, लेकिन ग्रेजुअली विद टाइम उनको इतना मजा आना शुरू हो जाएगा कि समाज में इतना जस्टिस हो रहा है, सभी के साथ बिल्कुल न्याय किया जा रहा है, अन्याय नहीं होता अब, तो ग्रेजुअली इवन दे विल रियलाइज कि अच्छा समाज है ये, वो भी फिर इज्जत छोड़ देंगे फिर, एंड ग्रेजुअली वर्कर्स एंड जो कैपिटलिस्ट हंसी खुशी रहा करेंगे, एंड एक बार तो क्या होगी, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट होगी, जो प्रोलेटेरियट मतलब वर्कर्स अपने हिसाब से चला रहे होंगे, लेकिन विद टाइम समाज में कोई किसी के खिलाफ कोई अनजस्ट काम नहीं करता, किसी को एक्सप्लॉयट नहीं करता, तो वर्कर्स भी सत्ता छोड़ देंगे एंड कोई सत्ता ही नहीं होगी फिर उसके बाद। सत्ता का मतलब कि कोई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, सभी इंसान आपस में इतने संतुष्ट इतने खुश हैं कि वो कोई किसी को एक्सप्लॉयट नहीं करता एंड सभी हंसी खुशी रहते हैं, एंड दैट इज व्हेन ही सेज कम्युनिज्म विल अराइव, ठीक है। तो सोशलिज्म कम्युनिज्म में एक फ़र्क क्या है, सोशलिज्म में कोई क्लास नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हाँ एक रूलर टाइप एग्जिस्ट करता है, सत्ताधारी एग्जिस्ट करते हैं, कौन, डिक्टेटरशिप किसकी है, प्रोलेटेरियट, वर्कर्स अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं, ठीक है। तो लेकिन कह रहे कि ग्रेजुअली विद टाइम ये भी छोड़ देंगे अपनी सत्ता, ये भी रूल करना छोड़ देंगे, सभी लोग बराबरी से रहेंगे, बिल्कुल सभी इंसान अपने अपने आप पर काबू रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, जिसको जो करना है वो करता है, ठीक है, जिसको लेट्स से डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनता है, जिसको इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनता है, जो करना है वो करता है, एंड उसको वो बोलते हैं कम्युनिज्म। इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई रूल नहीं है, कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, समझ गए आप ये 5 स्टेजेस, मैं क्विकली अगेन रन थ्रू कर रहा हूँ। प्रिमिटिव में कोई रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, क्लास नहीं है, क्योंकि सभी अपने हिसाब से जो भी सामान तोड़ना है खा लिया। एंड देन आता है एंशियंट एमओपी, वहाँ पर किसी ने टूल की मास्टरी करी, फूड कॉन्कर कर लिया, बाकी लोग डिपेंडेंट हो गए, तो मास्टर स्लेव रिलेशन इमर्ज होगा, मैंने आपको बताया। एंड जब एक्सप्लॉयटेशन पीक पे पहुंच जाएगी, स्लेव रिवोल्ट करेंगे एंड कहेंगे हमें इंडिपेंडेंट फील्ड में काम करना है।
तो उसके बाद आएगा फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में कुछ लोग जो ज़मीन के मालिक हैं उनको फ्यूडल लॉर्ड कहा जाएगा, और जो ये पहले मास्टर हुआ करते हैं, मास्टर स्लेव में ये मास्टर्स थे, एंड अब स्लेव यहाँ पे आके काम करना शुरू करेंगे, सर्फ कहलाएंगे। एंड जो सर्फ हैं जो ज़मीन जो जितनी कल्टिवेट करते हैं उसका एक हिस्सा, उसका एक शेयर दे देते हैं जिसको फ्यूडल लॉर्ड को, जो फ्यूडल लॉर्ड उनको प्रोटेक्शन भी ऑफर करता है कि कोई आके उनको मारेगा पीटेगा नहीं, प्रोटेक्शन भी ऑफर करता है, ठीक है, और लैंड का रेंट भी है एक तरह से। तो उसके बाद अगेन लेकिन कह रहे हैं दो क्लासेस इमर्ज हो जाएंगी, फ्यूडल लॉर्ड एंड सर्फ, और विद टाइम जो लॉर्ड भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, सर्फ का भी गुजारा पूरा नहीं हो रहा, परिवार बड़े हो रहे हैं एक्सेट्रा, तो सर्फ भी एक्सप्लॉयटेड फील करेंगे एंड उनको लगेगा गुजारे सबसिस्टेंस होनी मुश्किल हो गई, तो स्ट्रगल बढ़ जाएगा दोबारा से। एंड अगेन आबादी के चलते जो भी है अब मास प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी क्योंकि आबादी बढ़ रही है। मास प्रोडक्शन तो कहाँ हो सकती है, सिर्फ फैक्ट्रीज में, है ना, सिर्फ फैक्ट्रीज में हो सकती है। तो इसीलिए जो अपने लैंड लॉर्ड्स हैं, लैंड लॉर्ड्स फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जो, वो फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स फैक्ट्रीज बनाएंगे, इसमें लेबर चाहिए होगी, तो वो सर्फ को बोलेंगे आप छोड़ो ये फ्यूडल लॉर्ड के अंदर काम करना जिसके अंदर काम करते हो, आप आओ फैक्ट्रीज में काम करो, ठीक है। और अप्रोप्रिएट टाइम में सर्फ रिवोल्ट करेंगे एंड फैक्ट्रीज की तरफ चले जाएंगे। कब हो रहा है, कौन से दिन कब हुआ, ये कार्ल मार्क्स कुछ नहीं ऐसे बात करते एग्जैक्ट, बस कार्ल मार्क्स आइडिया समझा रहे हैं, ठीक है, ओके। देन कैपिटलिज्म आएगा, कैपिटलिज्म में मशीनें काम करती हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड थे कैपिटलिस्ट बन चुके हैं, वर्कर हैं, उनको आज़ादी है लेबर सेल करने की, लेकिन उनको बेचारों को सिर्फ गुजारे लायक ही सिर्फ यहाँ पे वेज मिलती है, ऐसा नहीं है कि धन दौलत से इनको अमीर कर दिया, गुजारे लायक वेज ही देते हैं, बाकी सारा का सारा प्रॉफिट कौन, कैपिटलिस्ट अपनी जेब में डाल लेता है। तो ग्रेजुअली एक्सप्लॉयड हो जाएंगे और अपनी गुजारे की नीड भी पूरी नहीं कर पाएंगे वर्कर्स, और इसीलिए जब राइट कंडीशन आएंगी, राइट कंडीशन क्या हैं कार्ल मार्क्स ये भी बताते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट कंडीशन आएंगी, वर्कर्स रिवोल्ट करेंगे, वर्कर्स ने तख्ता पलट कर देना है किसका, कैपिटलिस्ट का। एंड उसके बाद आएगा सोशलिज्म, सोशलिज्म में हर इंसान वर्कर होगा, कैपिटलिस्ट भी वर्कर बनके काम करेगा, कार्ल मार्क्स ऐसा समझते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश्ड, ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक चीज है, आपको पता होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया जाएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि जैसे ये मेरी ज़मीन, ये मेरी फैक्ट्री, ऐसा कुछ नहीं है, सभी कुछ सभी का है, सभी कुछ समाज का है, सोसाइटी का है, ठीक है, सोशलिज्म। और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट आएगी, यहाँ पे कोई क्लास नहीं होगी, अमीर कोई गरीब नहीं होगा ना सोशलिज्म में। आप अगर इमेजिन कर रहे हो लेट्स से कोई सोशलिस्टिक कंट्री या कम्युनिस्ट कंट्री, तो आप थोड़ा सा गलत इमेजिन कर रहे हो। कार्ल मार्क्स ने जैसा इमेजिन किया था उन कंट्रीज ने, जैसे रशिया था या चाइना है, वो एग्जैक्ट वो नहीं कर पाए, वहाँ पर थोड़ा घपला हो गया, थोड़ा सा काम खराब हो गया, लेकिन जो कार्ल मार्क्स ने बुक्स में लिखा वैसा तो कोई बना ही नहीं पाया आज तक, ठीक है। तो वहाँ पे कोई क्लास नहीं होगी, हर इंसान को उसकी नीड के हिसाब से मिलेगा, ग्रीड के हिसाब से नहीं। एंड उसके बाद फाइनली कम्युनिज्म आएगा, जहाँ पर वर्कर्स भी अपनी सत्ता पावर छोड़ देंगे, कहेंगे हमें किसी पे राज नहीं करना, एंड कोई उस वक्त कोई स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर रहा, कोई किसी को मारने पीटने को उतारू नहीं है, सभी इंसान आपस में खुश हैं, तो स्टेट की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगी। कार्ल मार्क्स समझते हैं हर इंसान एनलाइटेंड बन के घूम रहा है एंड फ्री है, और इसीलिए कार्ल मार्क्स बोलता है, जब कार्ल मार्क्स गदर बात लिखते हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं जब एक्सप्लॉयटेशन ही खत्म हो गई, है ना, वो कह रहे हैं कि जब एक्सप्लॉयटेशन थी तो एक लेट्स से एक ही अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है, है ना, अपर क्लास लोअर क्लास को एक्सप्लॉयट करती है, लोअर क्लास प्रोटेस्ट करती है, रिवोल्यूशन आता है, तो समाज हिस्ट्री चलती रहती है, कभी एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, कभी फ्यूडलिज्म, कभी कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म, फाइनली बोल रहे हैं कि क्लास ही खत्म कर दी हमने, क्लास ही खत्म कर दी हमने जब, तो कोई अब कोई किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर रहा, कोई किसी से रिवोल्ट नहीं कर रहा, तो सारे खुश जी रहे हैं, बराबर हैं कम्युनिज्म में। तो कह रहे हैं जब कोई एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं हो रही, तो अब आगे क्या बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ नहीं सकते, कुछ नया है ही नहीं। तो वो बोलते हैं इसीलिए देन कार्ल मार्क्स राइट्स दैट विल बी द एंड ऑफ हिस्ट्री, अब इतिहास बनना बंद हो जाएगा, कोई किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर रहा, क्योंकि कह रहे इतिहास उठा के देखो सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही तरह के लोग दिखते हैं, एक जो एक्सप्लॉयट कर रहा है, एक जो एक्सप्लॉयट हो रहा है। कह रहे जब एक्सप्लॉयटेशन ही खत्म हो गई तो किस बात का इतिहास, तो दैट इज व्हेन ही राइट्स दैट विल बी द एंड ऑफ हिस्ट्री व्हेन कम्युनिज्म विल अराइव। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही रेडिकल आइडियाज हैं, तो लेकिन हाँ बस इमेजिन करते जा रहे हैं। आपने पता जैसे कार्ल मार्क्स को इमेजिन करना हो तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि कोई गुरुजी बैठे हुए हैं अपने भक्तों को
रीच कर रहे हैं, भक्त सुने जा रहे हैं। तो लेकिन थोड़ा एकेडमिकली लिख दिया है, थोड़ा नंबर्स डेटा थ्योरी बना दी है, तो इस कारण दुनिया भर में बहुत ही फेमस हो गए कार्ल मार्क्स। अदरवाइज इंडिया में ऐसे हम बहुत सारे आपको मिलेंगे गुरुजी जो ऐसी बातें कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी बातें करते हैं। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स इज स्टिल, आप ना दुनिया में देखते हो अक्रॉस यूनिवर्सिटीज कार्ल मार्क्स की मूर्तियाँ फोटो लगी होती हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स बहुत ही एक आइडियल यूटोपियन बात करते हैं। जो जैसे अगर मैं आपको आज पूछूं, ठीक है आप सब लोग स्टूडेंट हो, मैं आपको पूछूं कि आप कल अफसर बन जाओगे, करप्शन करोगे, आप बोलोगे नहीं, ठीक है नहीं बोलोगे। लेकिन आप लेट से कल जाते हो वहाँ पे जाके मजबूर हो गए, आपके सीनियर ने आपको बोला करप्शन करो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आपको करनी पड़ी जो भी हुआ। आज तो आपके इरादे काफ़ी दृढ़ हैं, है ना, आज तो आपके इरादे काफ़ी डिटर्मिंड हैं कि नहीं करूँगा मैं करप्शन। क्योंकि अगर आज, क्योंकि आप यंग हो अभी और आप बहुत कुछ इमेजिन कर सकते हो और बहुत कुछ ऐसे ना अपने आप में जज्बा भर के काम कर सकते हो। अगर आज ही हारी हुई बात करोगे तो कल तो जाके पक्का ही हार जाओगे ना, कल तो कोई चांस ही नहीं रहा फिर। इसलिए आज तो थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा जज्बा बनाए रखो ताकि कल शायद टक्कर दे पाओ सिस्टम को। तो कार्ल मार्क्स भी वही बोल रहे हैं, कार्ल मार्क्स वही बोल रहे हैं कि सिस्टम बदलने के लिए थोड़ा सा एफर्ट आज तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत ही यूटोपियन बात करते हैं कार्ल मार्क्स, लेकिन बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर वही सितारों की तरफ एम करोगे चांद तक तो पहुंच जाओगे, तो वही थोड़ी टाइप बात करने की ट्राई करते हैं वो। तो यही कार्ल मार्क्स का आइडिया, थोड़ा इमेज, थोड़े वर्ड्स प्रॉपर जो है जो कार्ल मार्क्स ने यूज़ किए, जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, वो थोड़ा दिमाग में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वर्ड्स। अपना नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। क्विकली खत्म करेंगे कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स में बहुत कुछ है जानने वाला, पढ़ने वाला, वर्ड्स है याद करने वाले, सब वो पढ़ते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।